ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और एड सम फॉर्मूले का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक्सेल में सम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सम फंक्शन का। कैसे हम नंबर को जोड़ सकते हैं, विभिन्न तरीके से हम इसमें आज सीखेंगे कि कैसे नंबर को एक्सेल में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे 3 और 4, इन नंबर को अगर हमें जोड़ना हो 3 और 4 को, तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन के। 3 और 4 को अगर हमें जोड़ना हो तो हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह करके, जो ऑटो सम यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है आप देख रहे हैं, इसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, मोर फंक्शन भी हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। हमें ऑटो सम अगर करना है तो हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 3 और 4, हमने यहाँ पे 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी फील्ड चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सम में वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर 6 लिखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 + 4 = 10। तो एक तो ये तरीका था ऐड करने का सम, और इसी प्रकार और भी हम इसमें सम ऐड करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम और लिख देते हैं 2, 3, यहाँ पर लिख देते हैं 8, यहाँ पे लिख देते हैं आप 9, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे 5, यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो इतने सारे नंबर को अगर हमें ऐड करना हो तो हम इधर को भी ऐड कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, और इधर से भी ऐड कर सकते हैं, और इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, जैसे हमें यहाँ इकट्ठा करना है तो हम डायरेक्ट ऑटो सम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 15 आ गया। अगर हमें यहाँ से भी ऐड करना है तो फिर हम ऑटो सम का इस्तेमाल करेंगे 11, और इधर का भी ऐड करना है तो हम ऑटो सम का इस्तेमाल करके इस तरह ऐड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा ऐड करें एक साथ, बार बार करने के बजाय हम ये सारे सम नीचे अपने आप टोटल आ जाए, हम यहाँ पे जैसे टोटल लिख देते हैं TOTAL, टोटल। अब आप चाहते हैं कि मैं सब सारे समों को ऐड करूं, तो एक एक करने के बजाय हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके पूरे को ऐड एक साथ करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा सबका टोटल आ गया है। देखिए 8 और 2 = 10 और 6 = 16, 9 और 3 = 12 और 4 = 16, 6 और 3 = 9 और 5 = 14 और 20, 11 और 15 = 46। तो आपने देखा कि कितना आसान तरीका है ऑटो सम का प्रयोग करना। अब दूसरा एक और मेथड है, जो यहाँ पे तो हमने ऑटो सम ले लिया, लेकिन अगर हमें खुद ये सारे नंबर अगर हम यहाँ पे जोड़ना चाहें जी फील्ड पे, हम कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ये एड्रेस सेल बोला जाता है, ये सेल बार है, और जहाँ पे हमारा इस समय पॉइंटर है इसको बोलेंगे G3। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ऐड करूँ या यहाँ पे ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, और मैं केवल 6 और 5 को ऐड करना चाहता हूँ। पहले हम एक बार दिखाते हैं कि पूरी लाइन को कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सम, SUM, सम लिखा हमने। यहाँ पे हम फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में आपने एक फील्ड लिख दी, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। इसके बाद आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। जब आपने ब्रैकेट बंद करा और आप जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, हमने प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह हटाएंगे, और यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 15 + 5 = 20, 24 + 6 = 30। इस तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक एक करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो हम दूसरा एक और यहाँ पे डायरेक्ट दूसरा मेथड दिखाता हूँ आपको। आपने इक्वल को चिन्ह लगाया, सम लिखा, SUM, सम, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जहाँ तक आपको चाहिए ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए,
तो इससे क्या होगा, यहाँ तक अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि बीच में एक डबल डॉट का निशान है, डबल डॉट का निशान है, और ये B3 से लेकर E3 फील्ड को आपको बता रहा है कि आप B3 से लेकर E3 तक पूरा ऐड करना चाहते हैं, और इसको आप यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। ये देखो 30 आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में अंतर है कि आपने इसमें मैन्युअली B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 करके लिया है, और यहाँ पर आपने पूरी लाइन एक ही बारी में सेलेक्ट कर लिया। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया। अब एक तरीका और हम बता सकते हैं आपको यहाँ पे, कि अगर आपको लाइन से ना करना हो, इसको ऐड करना चाहते और केवल इसको ऐड करना चाहते तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाइए, फिर सम लिखिए, एस्यूम सम, फिर ब्रैकेट। अब आपको इस नंबर को ऐड करना 6। तो यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस क्या है, B3। अब आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब आपको क्या ऐड करना है, सपोज आपको 20 ऐड करना है, 6 और 20 ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, E7। इसका जो सेल एड्रेस है वो है E7। अब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जैसे आप इंटर करेंगे आप देखिए 26 आ गया, 20 + 6 = 26। तो देखा आपने कि कितना आसान तरीका है एक्सेल में कोई भी सम को कैलकुलेट करना। तो मैंने आपको 2-3 मेथड बताए जिसका आप इस्तेमाल करिए और एक्टिविटी करके देखिए, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि हम कैसे इस सॉफ्टवेयर में मार्कशीट बना सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं और एवरेज निकाल सकते हैं। तो सम का प्रयोग सबसे ज़्यादा एक्सेल में किया जाता है और कई तरीके हैं उसका प्रयोग करने के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे मेथड सीखेंगे या और दूसरे फंक्शन सीखेंगे कि उससे कैलकुलेशन कैसी की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।